हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान ने ख्वाजा सराओं के इलाज और मुआलजे की जरूरियात पूरी करने के लिए हमदर्द सेहत कार्ड का इजरा और 30 बेड पर मुश्तमिल वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब नेमत बेगम मेमोरियल हस्पताल नाजमाबाद में मुनक्किद हुई। तकरीब से हमदर्द फाउंडेशन की सदर मोहतरमा सादिया राशिद ने कहा, मुझे खुशी है कि अल्लाह ने हमदर्द को ख्वाजा सराओं के तिब्बी सहूलियात देने की तौफीक दी। प्रोग्राम के दूसरे मरहले में हम हमदर्द सेहत कार्ड की सहूलत ख्वाजा सराओं के लिए भी फराहम करने जा रहे हैं और आज की तकरीब में ये कार्ड आपके हाथों में होगा। ना सिर्फ हमदर्द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स बल्कि हमदर्द मतलब जहाँ भी होंगे उस वहाँ भी आपको सहूलियत मैसर होगी। सेहत कार्ड ख्वाजा सराओं में तकसीम किए गए। इस मौके पर अदाकारा और हिदायतकारा एंजेलिन मलिक ने कहा, हमें ड्रामों में ट्रांसजेंडर के हकूक की बात करनी चाहिए थी जो कि नहीं की गई। 20 साल से जायद हो गए हैं मैं ड्रामे का कर रही हूँ। मैंने औरतों के हकूक पे बात की, मैंने बच्चों के हकूक पे बात की, मैंने हर तरह के टॉपिक पे बात की, हम सब ने की, हमारे जो सारे फ्रेटर्निटी है, मगर इस पे बहुत कम लोगों ने बात की। क्यों? जेंडर अलायंस की बिंदिया राणा ने कहा, पहली बार किसी ने हमारी सेहती मसाइल पर तवज्जो दी। हमदर्द फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं। इन लोगों ने आज एक हमारा एक बहुत बड़ा मसला था हेल्थ से रिलेटेड, जो ख्वाजा सराओं को आप अक्सर देखती होंगी, उनको वार्ड नहीं मिलते हैं, उनके पास इतनी रेंज नहीं होती कि वो कहीं भी हॉस्पिटल में कहीं दाखिल हों, कहीं मतलब इतना अपना ट्रीटमेंट करवा सकें, आप वो स्टोरों से दवाइयाँ लेते हैं। मैं समझती हूँ कि आज हमदर्द वालों ने वो काम कर दिखाया जो एक ख्वाब था, जो मतलब हकीकत हो गया। इस मौके पर ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची।